हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमारे अंदर का वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी भी कोने में छुपे हुए रह जाता है। इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 6 एनिमेटेड एक्शन फिल्म। आपने टॉप 5, टॉप 10, टॉप 3 सुना होगा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 6 एनिमेटेड फिल्म। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला नंबर पर है द फाइंडिंग नेमो। फाइंडिंग नेमो 2013 में बनी एक एनिमेटेड फिल्म है, जिसमें एक मछली का बच्चा होता है जो अपने बाप से बिछड़ जाता है। तो वो अपने बाप से कैसे मिलता है, कैसे क्या होता है, इसी पर बेस्ड है ये कहानी एनिमेशन फिल्म, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत इमोशनल भी आपको कर देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसे देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। तो दूसरे नंबर पर है द लायन किंग। बहुतों ने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आपके लिए यह एक शेर का बच्चे की कहानी है। सिम्बा नाम का एक शेर का बच्चा होता है जो अपने, और उसका बाप जो होता है एक राजा होता है, तो अपने बाप का वारिस बनने के लिए दिन रात मेहनत करता है, मगर उसके बाप को उसके ही एक झुंड के शेर धोखे से मार देता है और पूरा इल्ज़ाम उसके बच्चे पर लगा देता है, और वो तभी बहुत छोटा होता है, और इसी डर से वो भाग जाता है, और बड़ा होने के बाद अपने बाप का बदला लेने के लिए वो फिर से वापस आता है। तो देख लेना। उसके बाद आता है द इनक्रेडिबल्स। इनक्रेडिबल्स एक एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद आता है फ्रोजन। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, एक राजकुमारी होता है जिसके पास ऐसा शक्ति होता है किसी भी चीज़ को वो बर्फ में बदल सकता है, किसी भी शहर को, पूरा शहर को वो बर्फ़ में बदल सकता है, इतना शक्ति है। तो मगर वो अपने शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उसके बहन को बहुत चोट लग जाता है। इसी दुख से वो उस राजमहल से बहुत दूर चला जाता है, और उसका बहन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी पर बेस्ड है ये कहानी। उसके बाद आता है डेस्की वेवल मी फॉर। इसका 4 पार्ट है, बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरे अच्छे से बताऊँ तो, आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद आता है जूटोपिया, ये भी आप चेकआउट कर लेना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।